सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त में देगी। सरकार की तरफ से यह कदम किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में उठाया गया है। यह बातें प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कही। श्री शाही शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नियोजन विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, रणनीति और भावी दिशा विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के दूसरे दिन प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में किसानों की आय दुगनी करने के लिए बागवानी या सब्जियों या फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है। पूर्वांचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अनाज यहाँ 6 माह में तैयार होता है, वहीं सब्जियां 2 से 3 माह में। जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीकी की जानकारी दी जाए जिससे वे बागवानी से अधिकाधिक आय अर्जित कर सके। किसानों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें सामयिक तकनीकी जानकारी नहीं है। कृषि क्षेत्र में विधिवतकरण, मल्टी क्रॉपिंग समय की मांग है। इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की कृषि क्षेत्र के विकास को सतत प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल राइस सर्च रिसर्च सेंटर फिलीपींस का केंद्र वाराणसी में खोला गया है। राज्य में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर का एक केंद्र खोलने का भी प्रयास जारी है। पिछले 3 साल में 300 करोड़ रुपए की कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य कृषि संस्थाओं को दिए हैं। आज लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मौसम आधारित फसली बीमा में तमाम नए जिलों को शामिल कर महज 5% प्रीमियम पर फसल सुरक्षा दी जा रही है। मंडी शुल्क को 2% से 1% कर दिया गया है। पाली हाउस के निर्माण पर 5% अनुदान उपलब्ध है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों पर 80% से 90% अनुदान किया जा रहा है। उन यंत्रों से पानी भी बचेगा और संतुलित पानी देने से फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा। कृषि मंत्री ने कहा, बीज की गुणवत्ता बेहतर बनाने करने के लिए वैज्ञानिकों को आगे आना होगा। इसी क्रम में आम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, दशहरी आम यूपी की पहचान रहा है, उसकी क्वालिटी को और ठीक किया जा सकता है। अल्फांसो की टक्कर का गोरखपुर और बस्ती का गौरजीत आम की क्वालिटी को बढ़ाकर निर्यात के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अमरोहा और वाराणसी में 9 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 2 मैंगो पैक हाउस का निर्माण कराया है। राज्य से 2000 क्विंटल आम का निर्यात कोरोना काल में भी हुआ। कृषि मंत्री ने पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में कृषि उत्पादक संगठनों की भूमिका की चर्चा करते हुए देश में कृषि संशोधन कानून को किसानों के हित में बताया। संगोष्ठी में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब कृषि क्षेत्र चालू रहा। राज्य में लाखों संख्या में लौटे प्रवासियों में अधिकतर पूर्वांचल के थे। इनमें सरकार के मदद से कृषि क्षेत्र में काम मिला। उन्होंने स्वॉट एनालिसिस कर कृषि क्षेत्र में नई नीति बनाए जाने पर जोर दिया। कहा, अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का आकलन कर आगे बढ़ने की जरूरत है। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्वांचल के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन, पानी की प्रचुरता, बेहतर होती रोड कनेक्टिविटी हमारी ताकत है। बाढ़ जैसी दैवीय आपदा के खतरे हैं, छोटी जोत, कमजोर सहकारी समितियां व अपेक्षाकृत कमजोर मंडियां कमजोरी हैं, तो खेती की विविधता, गौवंश आधारित कृषि, सरकार द्वारा किए गए बाजार सुविधाएं, FPO जैसी नीतियों से अवसर सृजित हो रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कृषि क्षेत्र में FPO की भूमिका की चर्चा करते हुए महाराजगंज व देवरिया के 2 FPO द्वारा क्रमशः शकरकंदी व मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किए गए नवाचार व मार्केटिंग का उदाहरण भी पेश किया। इस तकनीकी की सत्र में उप महानिदेशक RCRA डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बागवानी के विकास की संभावनाएं विषय पर ऑनलाइन वक्तव्य दिया। ICR IVR वाराणसी के निदेशक डॉक्टर जगजीत सिंह भी सब्जियों की खेती पर अपनी बात रखने को ऑनलाइन जुड़े। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने इस बात पर और चर्चा की कि कृषि में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। सत्र की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने की। इस सत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह समेत कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा। फसल हो सकती है, उसके अलावा जल पारित क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी हमने कर्मा आसार
कि डेवलप की टेक्नोलॉजी ये पहले केवल पानी में होता था, हमने इसको फील्ड में भी उगाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और बनारस क्या है और इसमें जो है एवरेज यील्ड इसकी 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर, इसकी पत्तियां 15 से 20 साख के रूप में 15 से 20 किलो रुपए प्रति किलो के हिसाब से यदि बिके मार्केट में तो एक किसान इससे बड़े आराम। बायो पार्टिफिकेशन की दिशा में आप देखेंगे कि हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। लाल मंडी ये प्रजाति हमने डेवलप किया है, गाजर भी देखिए बहुरंगी गाजर, इसके भी बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध सुना जाना चाहिए। तो सर हमारे साथ यहाँ पर है मौजूद है और वो अपना वक्तव्य खुद यहीं से देंगे। कन्वर्ट करें समय को अपने जितने आर्थिक चीजें यही हैं और बहुत सारे आयाम हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो कुछ नहीं हमारे देश की जैसे कि जानते हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश में यंग पॉपुलेशन है, 25 साल से ज्यादा की संख्या करीब 54% है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, तो जो है हमें बात आज का हमारा मुख्य उद्देश्य कृषि में से जुड़े जो भी व्यवसाय हैं, चाहे छात्र हों चाहे किसान हों चाहे उसके वाई प्रोडक्ट के रूप में अदर एंटरप्रेन्योर हों, सबके बारे में हमें बात करना है। छात्रों की बात तो हम लोग किसी विश्वविद्यालयों में करते ही रहते हैं, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को कैसे जो है हम रोजगार से स्वरोजगार की तरफ उन्हें आकर्षित करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1983 में तो कृषि में 81% लोग जो रोजगार पा रहे थे, आज वो संख्या घटकर 58% हो गई है। दूसरे क्षेत्रों में जहाँ 19% थे वो 38% हो गई है। तो ये ऐसा घर है कि जो है जिसके वजह से और भी जो है कृषि में लोगों की हुई है। अगर हमारे पास स्लाइड है दिखा नहीं पा रहे हैं, अगर प्रदेश वाइज आप इसकी सीमा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष वर्ग हैं जो महिलाएं हैं खासतौर से पुरुष जो 79% उत्तर प्रदेश में जो कृषि में थे आज उनकी संख्या घटकर 57% हो गई है। बाकी जो है माइग्रेशन की तरफ दूसरे प्रदेशों में जाकर जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं शुरू से ही 94% जो है कृषि में थी उनकी संख्या बहुत ही नॉमिनल कमी है। अब समय यह आ गया है कि जो पढ़े लिखे युवक हैं उसमें आए और ये बिल्कुल कितना बॉडी वेट है कितना जो है उनके किस एज के जो है परिवार में लोग हैं उनके अनुसार से उनके फूड पैकअप करने की जो है योजना हमारे देश में बनाई जा रही है ताकि जो है फोर्स ग्रेन है हमारे अन्य चीजें हैं जैसे भी जगदीश सिंह बता रहे हैं हम लोग भी काम किए हैं, जैसे मोरिंगा है जो मशरूम है इसके पाउडर बनाकर अपने आटो में जो चावल दाल या जो चीजें हैं कोर्स ग्रेन में कितनी मात्रा डाला जाए एक आदमी के लिए चाहे प्रोटीन हो न्यूट्रिएंट हो कितनी जरूरत है उसको क्वांटिटी में न जाकर क्वालिटी में ले और इसके लिए भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जरूरत है जो हमारे नौजवानों को इसमें करना है। एग्री क्लिनिक है जो पहले से ही है लेकिन अभी उसकी उतनी प्रचार नहीं हो पाई है। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन है, क्वालिटी मटेरियल है, पहले हम कहते थे कि सीड, अब हम सीडलिंग की बात करते हैं कि किस तरह से सीडलिंग, क्योंकि जोत कम होती जा रही है जैसे कि हमारे सचिव महोदय ने बताया तो उसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसानों की 600% होने जा रही है। उसके लिए हमें उनको खेतों में नर्सरी ना इंतजार न करना पड़े, तुरंत नर्सरी तैयार है खेतों में जैसे जरूरत पड़ेगी और पूरे एक साल का फसल चक्र तैयार करके पूर्ण करें। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं लाइफ स्टाइल में जैसे कि देखते हैं चाहे पोल्ट्री हो चाहे गोटरी हो चाहे सिप का हो चाहे पिगरी हो और इसके साथ साथ जो उनके जो है मिनरल मिक्सचर उनके न्यूट्रिएंट अभी भी हमारे प्रदेश में आप देखते हैं कि दूसरे जगह से हम आते हैं तो इन सभी को भी बॉडी वेट के अनुसार से जो इंडिजनस मेटेरियल अवेलेबल है गोरखपुर में आप जानते हैं कि मक्का की एरिया में बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए हम किस तरह से इस सारी चीजों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और जो हम हाई इंडस्ट्री है उसका समावेश करें ताकि बहुत जो बाहर से हमको फीड मेटेरियल चाहे पीस में ला रहा है वो हम इंडिजनस ही यहाँ पर हम स्वरोजगार की जो बहुत सारी संभावनाएं हैं जो प्रदेश सरकार जो इंसेंटिव दे रही है उसको जो यूटिलाइज करके कैसे जो है उसको हम जो है बदलें FIM को उनके यूरिंग को कैसे जो है परिवर्तित करें ताकि वीजा मिलता है जियो मिलता है। मैं आपको उदाहरण बता दूं जो लोग हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित होंगे जानते होंगे
पैदा किया जा रहा था, सॉइल पीएच 9.5 था, उसमें हमने जीवामृत और गोबर की खाद का इस्तेमाल करके 37 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से जो विश्वविद्यालय के इंडिया मार्केट से मैक्सिमम मिट्टी भेजपुर से लेके सारे भेजपुर का खेती करता है, तो उसमें एक तरह से आगे हम पानी के न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, उसमें कोई चीज हम आर्टिफिशियल बाहर से। हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, फूड ग्रेन के माध्यम से जो ग्रोथ बेस की है वो लगभग 5% के करीब है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के भीतर उससे 3 गुना 15 से लेकर 17% के करीब में है और जो इन्वेस्टमेंट होता है फूड ग्रेन में लगभग 6 महीने का टाइम पीरियड लगती है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम उसको 2.5-3 महीने के भीतर ही आमदनी की शुरुआत हो जाती है और इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका इस बात की है कि हम किस तरीके से सब्जियों और फलों के खेती का विस्तार करें। मैं विभिन्न जो और आयाम हैं कृषि के उस पर आज आपसे चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के भीतर असीम संभावनाएं हैं। हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की जो समस्या ये है कि यहां देश की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि खंड का योगदान 26% के करीब है, वहीं पूर्वांचल में 28.8 यानी लगभग 29% के करीब है। यह जो समस्या है, कई बार हमें लगता होगा कि हमारा कृषि का योगदान बहुत अच्छा है। ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कृषि के क्षेत्र पर रोजगार के अवसर पहले 80% के करीब था, वो घटकर के 50% के करीब आ गया है। मेरा ये मानना है कि कृषि पर से बोझ हटना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाकर के कृषि जो है वो समृद्धशाली हो सकती है। और ये जब कभी भी इकोनॉमिक्स और उसके विद्वान जब बोलते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कमतर इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसकी भूमिका धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है, नगण्य होती जा रही है। देश के भीतर जब 1947 में आजादी हुई, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1950 में, तो हमारे देश में लगभग 600 मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था। आज उस जमाने से लगभग 5 से 6 गुना हमारी आबादी 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। कुपोषण के शिकार इसलिए हम हुए कि हमारे देश के भीतर गरीबी थी, खासतौर पर जो हमारा पूरी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की तुलना में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी थी। पूर्वांचल के और राज्यों में बिहार समेत जितना भी हिस्सा है गरीबी का वो कारण बना और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन की बोझ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, यहाँ की जलवायु अच्छी थी, आसानी से खेती की जा सकती थी, इसलिए पूरी जनसंख्या यहाँ पर सिकुड़ करके रह गई और इस वजह से हमारी जो कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ पूरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हैं। अब उन कठिनाइयों से हमें एक निवारण किया जाना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपने राज्य के भीतर जो हमारी औसत ग्रोथ है वो 76 हेक्टेयर के करीब है, 0.76 हेक्टेयर, और पूर्वांचल में वो और घट करके हो जाती है 0.59 हेक्टेयर। तो हमारे पास, हमारे किसानों के पास जितनी भूमि है उसका कितना ज्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो विविधीकरण के माध्यम से करें या मल्टी क्रॉपिंग के माध्यम से करें, तभी जाकर के पूरी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को हम जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम जो है वो पुशअप कर सकते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और उसमें बहुत बड़ी देरा हमारी जो भूमिका है इस समय में समझता हूं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की है। और दूसरी मांग जो दूसरा पोटेंशियल है वो फिशरीज का है, क्योंकि इस सेशन में फिशरीज पर नहीं विचार हो रहा है, इसलिए मैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में कहना चाहता हूं। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो पूरे देश के लिए जो उन्होंने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा उसका लाभ उठा सकता है, उसमें पूरी उत्तर प्रदेश कितना उठा सकता है,
इसकी पूरी कोशिश हमको इस सेमिनार के माध्यम से करनी चाहिए। अच्छा होता कि आज के पार्टिसिपेंट में आप यहाँ के प्रगतिशील किसानों को भी साझा कर दिए होते, क्योंकि हम कितना भी बौद्धिक मसालहत कर लें, उतारना उनको खेल पर है, और जब तक उनकी समझदारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे जो ये वेबिनार और सेमिनार होते हैं वो हमारे कागजों और लैपटॉप तक सीमित हो जाते हैं, उसको कैसे हम आगे की ओर बढ़ाएं। अभी हमारे डॉक्टर AK सिंह साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पोटैटो की क्वालिटी और बीज, किसी भी खेती के लिए उन्नतशील बीज होना बहुत आवश्यक है। हमने वैरायटी के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना होगा, जिसकी मांग है देश के भीतर और दुनिया के भीतर, जिसका वैरायटी की मांग है, उसका उत्पादन हम चाहे किस भी क्षेत्र में करेंगे, चाहे वो आम हो, चाहे हमारा आलू हो, चाहे हमारे प्याज का उत्पादन हो, हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्शन तो करना ही होगा, और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन करने के लिए हमको अच्छा बीज की उन्नतशील बीज हमको मिलनी चाहिए। और आज हमें जो है हाइब्रिड, जिसमें ज्यादा हम उत्पादन कैसे कर सकते, इसकी भी व्यवस्था करना जो है वो बहुत आवश्यक है। और मैं यदि AK सिंह साहब सुन रहे होंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ आपने आम की चर्चा की है, हमारे राज्य के भीतर अभी भी जो है वो सब्जियों का जो उत्पादन है उसमें हम कई मामलों में हम नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश के भीतर। आलू का उत्पादन हमारा 150 लाख से लेकर के 155 लाख मेट्रिक टन हो रहा है, 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे के भीतर हम जो है आलू की खेती कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि देश का लगभग 35 से 40% आलू अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित कर रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है, कई बार जो है प्राइस क्रैश हो जाती है, जहां 10 लाख मेट्रिक टन उत्पादन बढ़ा आलू का, वहीं प्राइस क्रैश होती है, और 10 लाख मेट्रिक टन कम हो गया उत्तर प्रदेश का उत्पादन तो प्राइस जंप कर जाती है, और दोनों में जो है वो एक तरफ कंज्यूमर हल्ला मचाता है, दूसरी ओर किसान हल्ला मचाता है कि हमारा क्रैश हो गया, और कंज्यूमर कहता है कि जैसे आज की तारीख में कंज्यूमर बोलता है कि हमारा ज्यादा हो गया। तो उसके भीतर संतुलन हम कैसे स्थापित करें, उसके लिए हमारी वैरायटी कैसे अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार हम लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इपरी का एक सेंटर हम उत्तर प्रदेश में ला करके स्थापित कर दें। मैंने खुद जो है वो माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को भी पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मैंने अनुरोध किया, उन्होंने भी अपना एक पत्र भेजा। अभी इस कोरोना COVID-19 के दौर में मैं गया खुद दिल्ली, और जाकर के भारत सरकार के कृषि मंत्री से मैंने अनुरोध किया है कि हमको इपरी का सेंटर उत्तर प्रदेश में दे देते हैं तो हम एक क्वालिटी क्यों सुधार कर सकते हैं। देखिए, ये पूर्वांचल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ कि पहली बार इतने गहन मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी भी संभावनाएं हैं विकास के दृष्टि से उनको देख करके एक रणनीति तैयार किया जाए, और ये जो वर्तमान सत्र था उसमें औद्यानिक भूमिका क्या होगी हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किसानों की आमदनी और पूर्वांचल के विकास की दृष्टि से, इस पर चर्चा हुई। पूरी उत्तर प्रदेश में सब्जियों और फलों के खेती की अपार संभावनाएं हैं, और उन अपार संभावनाओं को विस्तार दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। सब्जी उत्पादन के माध्यम से जो है वो किसान की आमदनी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन जो समय कालावधि होती है सब्जियों की वो कम समय के भीतर जल्दी तैयार होती हैं, और खाद्यान्न फसलों में ज़्यादा समय लेती हैं, और खाद्यान्न की तुलना में उनको अच्छी कीमतें भी सब्जियों के माध्यम से मिलती हैं, और इसलिए उनका किस प्रकार से विकास किया जाए इसकी रणनीति तैयार हुई है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना किया जाए, उस संकल्प को पूरा किए जाने में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र साथ साथ में जो सहवर्ती हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन,
फूलों के उत्पादन, औषधि खेती का उत्पादन और जैविक खेती, यह सब अपने महत्वपूर्ण हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके रणनीति तैयार की जा रही है जिसका क्रियान्वयन आने वाले भविष्य में हो सकेगा। देखिए वो लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि वो वास्तविक किसान नहीं हैं। वास्तविक किसान जो है अपने खेत पर काम कर रहा है, गन्ने की छिलाई और ढुलाई कर रहा है, गेहूं की खेतों में जाकर के बुवाई और सिंचाई कर रहा है। वो लोग हैं जो ऑडी और मर्सिडीज करोड़ों रुपए के गाड़ी पर बैठ करके जाने वाले, जिन्होंने किसानों को मजदूर बना करके रखा है, ऐसे लोगों का वहाँ पर धरना और प्रदर्शन है। वह देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा मेरा नहीं मानना है। कुछ चंद लोग उसमें से जाकर के और सुनियोजित तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से इस काम को कर रहे हैं। देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था किसानों के लिए किया है और देश के लगभग 12.5 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपये सालाना हर 4 महीने पर 2,000 रुपया भेजना, यह उनके कठिनाइयों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना है। इसी तरीके से उन्होंने खाद्यान्न फसलें खरीफ और रबी की उनके 1.5 गुना से भी ज़्यादा और कई पर तो 2.5 गुना 3 गुना और उससे भी ज़्यादा जो MSP तय कर दी और उससे किसानों को जो 2014 में 1300-1400 रुपये दाम मिलते थे आज वो 1900 और 2000 रुपये के करीब पहुँचे हैं। तो किसानों को जो त्वरित गति से जो जा रहा है ये, साथ साथ में बीजों पर, कृषि यंत्रों पर, विभिन्न प्रकार के तकनीकी के इस्तेमाल पर जो सब्सिडी देकर के किसान को प्रोत्साहित किया जा रहा है कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से या FPOs को 10,000 FPO बना करके कृषि क्षेत्र के भीतर फसल और के उत्पादन और एलाइड जो हमारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट हैं उनसे पैदा किए जाने वाले जो सामग्रियां हैं उनका प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग, उनको मार्केट लिंक के, उनका रख रखाव, उनका भंडारण, उनकी प्रोसेसिंग, यह सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो सकेंगी और किसान भाई इस बात को जानता है और किसान उनसे गुमराह नहीं होने वाले हैं। किसान अपना काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो देश के भीतर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करके आज देश का खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और पूर्वांचल का भी हमारा बहुत बहुत योगदान है। धन्यवाद आपको।